नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। आज हम गेहूं के आटे से लोहे के तवे पर ऐसा टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाएंगे कि आप एक बार इस नाश्ते को खा लेंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। इस नाश्ते को पकाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और इस नाश्ते को जब हम पकाएंगे तो घी या तेल का यूज भी नहीं करेंगे। दोस्तों, बड़ों को तो ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा ही, लेकिन आप यदि बच्चों को ये नाश्ता एक बार बनाकर खिला देंगे तो वो डेली यही नाश्ता बनवाने की जिद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे का टेस्टी और चटपटा नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो घर में यूज करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि शुरुआत में मैंने बोला है कि हम इस नाश्ते को पकाने के लिए घी या तेल का यूज नहीं करेंगे, तो मैंने सही बोला है, हम नाश्ते को पकाते टाइम घी या तेल का यूज नहीं करेंगे। अभी तो हम नाश्ते की स्टफिंग तैयार करेंगे। तेल गर्म हो गया, आप इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियाँ। मैंने लहसुन को मोटा मोटा काट लिया। साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 प्याज डाल देंगे, प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काटा है। आप इनको भून लेंगे, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे। जब प्याज इस तरह की हो जाएगी तो आप इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने बारीक बारीक काट लिया। आलू के साथ ही डाल देंगे 1 कटोरी बीन्स और 1 कटोरी हरे मटर डाल देंगे। और जितने मटर डाले हैं उतने ही कॉर्न डाल देंगे, यानी कि मक्का। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। आप अपने हिसाब से सब्जियों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और सब्जियां भी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। आपके पास यदि अभी घर में चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1.5-2 मिनट के करीब हो गए इसको पकते हुए। अब इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। अब आलू को चेक कर लेंगे। 1.5-2 मिनट पकाने के बाद ये 50% पक गए। अब इसमें 1 बड़ी साइज़ के शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शिमला मिर्च को सारी सब्जियों के साथ क्यों नहीं पकाया। शिमला मिर्च को यदि मैं आलू, मटर, मक्का और बीन्स के साथ ही डालकर पकाती तो शिमला मिर्च ज़्यादा पक जाती और ज़्यादा पकी हुई शिमला मिर्च खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको फिर से ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 1.5-2 मिनट के करीब हो गए इसको पकते हुए। अब इनको चम्मच से फिर से थोड़ा चला देंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, आलू मटर को ही अच्छे से पकाना है। जो दूसरी सब्जियाँ हैं उनको तो 90% ही पकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। जो बच्चे सब्जियां बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, उनको आप इस तरीके से ज़्यादा सब्जियां डालकर ये नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। वो कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, उल्टा इस नाश्ते को बार बार बनवा कर खाएंगे। धनिया भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इन सब्जियों को दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और अब लेंगे 2 कप गेहूँ का आटा। आप मैदा से भी ये नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन यदि गेहूं के आटे से आप ये नाश्ता बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें 1/2 कप दही डालेंगे। जिस कप से नाप कर आटा लिया है उसी कप से नाप कर ही 1/2 कप दही लेना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि खट्टा दही डालकर ये नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और 1/2 चम्मच डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। मीठा सोडा भी ज़्यादा नहीं डालना है। यदि मीठा सोडा ज़्यादा डाल देंगे तो जब नाश्ते को पकाएंगे तो वो पकाते टाइम फट सकता है। आप इसको अच्छे से मिला देंगे। और यदि आपके पास अभी घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा दही डालकर भी आप ये नाश्ता बनाएंगे तो भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगा। वैसा आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो इसमें ये दही डालेंगे वो खट्टा नहीं होना चाहिए। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें दही पहले ही डाला हुआ है तो आटा काफ़ी गीला है। यदि एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा ज़्यादा पतला हो जाएगा।
इस आटे को गूंदने में सिर्फ आधा कप पानी लगेगा, आप इसमें और पानी नहीं डालेंगे। आटे को अच्छे से लोच लगा लगा कर गूंदेंगे। आप इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे। इस तेल को आटे के चारों तरफ लगा देंगे ताकि आटा सूखे नहीं। आटे को ना तो ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ही ज़्यादा टाइट, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। अब इस आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और यदि आपके पास टाइम कम है तो आप अभी भी इसका नाश्ता बना सकते हैं, आटे को ढककर रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट हो गए आटे को ढककर रखे हुए। आप इसको फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। आप इस आटे की पेड़ी तोड़ लेंगे बड़ी बड़ी, और अब इनकी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, इतने आटे में हमने 3 बड़ी बड़ी लोइयां बना ली। इन लोइयों को साइड में रख देंगे ढककर, ताकि ये लोइयां सूखे नहीं, और इस लोई को बोर्ड पर रख देंगे। अब इस लोई पर सूखा आटा लगा लेंगे और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी को चारों तरफ से बराबर बेलना है, ये नहीं कि कहीं से रोटी मोटी है और कहीं से पतली है, पूरी रोटी एक जैसी होनी चाहिए। ये देखिए, रोटी इतनी पतली होनी चाहिए। अब एक कटोरी लेंगे, आप कोई भी ढक्कन या कटोरी ले सकते हैं। आप इस रोटी के ऊपर कटोरी को रख कर दबा देंगे और छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हटा देंगे, इसकी हम दोबारा से लोई बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे आटे की छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारे आटे की छोटी छोटी पूरियाँ बना ली। हमने इनको कटोरी से इसलिए काटा है ताकि सारे नाश्ते का साइज एक जैसा हो। आप इनकी बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां बनाकर अलग अलग भी बेलन से बेल सकते हैं। आप इनको साइड में रख देंगे। और जो ये सब्जियां हमने पकाई है, ये भी अच्छे से ठंडी हो गई। सब्जियों को बिल्कुल ठंडा करना है। आप इसमें डालेंगे एक कटोरी मोजरेला चीज़। मोजरेला चीज़ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप इनको अच्छे से मिला देंगे। आपने सब्जियों को पकाते टाइम नमक कम डाला है, तो अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इनको साइड में रख देंगे और अब इनमें से एक पूरी लेंगे, इनको साइड में रख देंगे और इस पूरी को बोर्ड पर रख देंगे। अब इसको बेलन से फिर से थोड़ा सा बेल लेंगे। इस पूरी को पतला ही रखेंगे, यदि पूरी को मोटा रखेंगे तो जब नाश्ते को पकाएंगे तो नाश्ता अंदर से कच्चा रह सकता है। अब इसमें 2 चम्मच ये सब्जियां डाल देंगे। अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इसको हाथ से दबाकर टिक्की की तरह बना लेंगे। ऐसे ही हम सारा नाश्ता बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारा नाश्ता बना लिया। लोहे का तवा हमने पहले से ही गर्म कर लिया। अब इस नाश्ते को तवे पर रखते जाएंगे और हाथ से हल्का सा दबाते जाएंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए और ये अच्छे से सिक जाए। नाश्ते को पकाने के लिए हम तेल या घी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तवे को शुरुआत में ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। यदि तवा ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो जब नाश्ते को तवे पर रखेंगे तो तवे पर रखते ही नाश्ता जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। आप इसको ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 1.5-2 मिनट के बाद नाश्ते को पलट देंगे और अब इसको फिर से 1.5-2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे। आप जब ये नाश्ता बनाएंगे तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो नाश्ता बनाने के लिए सारी चीज़ें अलग अलग बताई है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। आप ये नाश्ता बनाएंगे तो जब सब्जियों को पकाएंगे तब तक आटा गूंद कर उसकी छोटी छोटी पूरी बेल कर रख सकते हैं। 1.5-2 मिनट हो गए नाश्ते को दूसरी साइड से भी पकते हुए। अब आप इसको तवे पर भी और थोड़ी देर के लिए सेक सकते हैं, लेकिन मैं इनको चिमटे से पकड़कर गैस पर इनको पकाऊंगी ताकि इनके किनारे भी अच्छे से सिक जाए। इस नाश्ते को हमने तवे पर 3 से 4 मिनट पकाया है और फिर इनको गैस पर रोस्ट किया है। इस नाश्ते को पकाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। ऐसे ही हम सारा नाश्ता बना लेंगे। ये लीजिए, अब हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी चटपटा नाश्ता तैयार है। बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। आप इसके ऊपर देसी घी या मक्खन लगाकर भी खा सकते हैं। आपको ये नाश्ता बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में।
मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।